शराब तस्करी के मामले में रतलाम के थाना माणक चौक में पदस्थ आरक्षक प्रवीण गर्ग और उनके साथी रवि टोक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागदा थाना TI श्यामचंद्र शर्मा को आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र से शराब तस्करी के लिए खेप निकलने वाली है। इस पर सुबह से सिविल ड्रेस में TI अपनी टीम के साथ तैनात हो गए थे। मुखबिर द्वारा बताई निशाने के आधार पर पुलिस ने कार को रोका और कार की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस को कार से 40 पेटी शराब की मिली। जब्त हुई शराब की कीमत पुलिस करीब 1,20,000 बता रही है। पकड़ाए आरक्षक प्रवीण गर्ग ने बताया कि वह झाबुआ से शराब नागदा में राजकुमार को सप्लाई करने आए थे और पूर्व में भी वह 2-3 बार यह काम कर चुका है। वहीं शराब तस्करी में आरक्षक का हाथ होने की जानकारी जैसे ही रतलाम SP गौरव तिवारी को लगी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से आरक्षक प्रवीण गर्ग को निलंबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, रतलाम।